नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर की महिला थाना पुलिस ने पीटीएस में पदस्थ एक एसआई सहित उसकी पत्नी और डॉक्टर बेटे और ननद के खिलाफ 20 लाख रुपए के दहेज मांगकर अपनी बहू को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया है। दरअसल इंदौर के मूसाखेड़ी में रहने वाले पीटीएस में पदस्थ एसआई डॉक्टर पति सास और ननद द्वारा विकलांग बेटा होने पर अपनी बहू को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। वहीं इंदौर की महिला थाने में कल फरियादी जया ने अपने पति, ससुर और सास के खिलाफ 20 लाख रुपए का दहेज और विकलांग बेटा होने पर प्रताड़ित कर 20 लाख रुपए मांगने का मामला दर्ज करवाया था। पति डॉक्टर वीरेंद्र, एएसआई ससुर हरिप्रसाद सहित सास इंद्रा और ननद सावित्री सभी निवासी पीटीएस क्वार्टर मूसाखेड़ी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फरियादी का ससुर पीटीएस हरिप्रसाद पीटीएस में सहायक थानेदार के पद पर पदस्थ है, जबकि उसका पति वीरेंद्र डॉक्टर है। पति क्लिनिक खोलने के लिए पैसों की मांग कर रहा था। परिवार वालों ने बहू से 20 लाख रुपए और कार मांगी थी, नहीं देने पर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं महिला पुलिस ने दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कर सभी की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला कल थाने पर उपस्थित हुई थी, उसकी तरफ से अपने पति, सास ससुर, ननंद पर मुकदमा कायम कराया गया है। उसका कहना है कि मेरे सास ससुर ननंद पति मुझे प्रताड़ित करते हैं कि तू दहेज बहुत कम लेकर आई थी, तो 20 लाख रुपये लेकर आ, जिससे हम तुझे अच्छे से रखेंगे। जब तक तू 20 लाख रुपए लेकर नहीं आएगी, जब तक हम तुझे अच्छे से नहीं रखेंगे। और उसका कहना यह भी है कि मेरे जो बेटा हुआ है वो 90% विकलांग है, इस कारण भी वो लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। कितना समय शादी को हो गया और कहाँ पदस्थ है? एएसआई ये पीटीसी इंदौर में पदस्थ हैं, इनका नाम हरिप्रसाद तिलवे है। किन किन लोगों पे मामला दर्ज किया गया? पति जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसके ऊपर सास ससुर और ननद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।